चेतना का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे तो कायस्थ बहुत धर्मभीरु होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, लेकिन वो भटकता है, क्योंकि इस देश में पहले से कुछ दूसरी जातियों ने स्थापित कर रखा है, राम कृष्ण शंकर, लेकिन जो हमारा धर्म है, जिसके हम वंशज हैं, जो पूरी दुनिया को व्यवस्था देता है, श्री चित्रकूट जी भगवान की उपासना लोग नहीं करते हैं। हम जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दीपावली के जाता पड़ता के दूसरे दिन हम लोग करुण देवाल की पूजा करते हैं और उसी दिन चित्रकूट जी की एक दिन उपासना करते हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए महासभा ने यह संकल्प लिया है कि देश में धार्मिक चेतना का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसी के संदर्भ में 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है चित्रकूट जी की कथा। तो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में आयोजित है, जिसमें हमने इस देश के बड़े धर्माचार्यों को, जैसे स्वामी सिद्धानंद स्वामी जी हैं, परमार्थ आश्रम के जो कर्ता धर्ता हैं, काशी हरिशंकर घाट के जो सर इधर देखिए आप उधर ना देखिए अवधूत चंडेश्वर कपाली बाबा जी, चित्रगुप्त पीठ है हमारे समाज में, हरिद्वार सॉरी वृंदावन उसके पीठाधीश्वर हैं स्वामी चिदानंद पशुपति जी, कबीर चौरा आश्रम के पीठाधीश्वर हैं कपिल मुनि महाराज जी, नरसिंह कृपा धाम के आचार्य शशिकांत जी मुख्य रूप से रहेंगे उस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि हम धार्मिक चेतना अपने समाज में फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आयोजित कर रहे हैं, और मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आप सब उस महान पर्व में आकर के सम्मिलित हों और ये जानें कि काय समाज क्या है। आज पूरे देश में विभिन्न विभिन्न तरह की राजनीति हो रही है, जो संख्या के आधार पर, जैसे बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होकर समाज को क्या देना चाहते हैं ये राजनीतिक लोग, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि एक अनजान व्यक्ति को अगर हवाई जहाज का आप ड्राइवर बना देंगे तो जहाज चला पाएगा क्या? चलाएगा वही जो प्रशिक्षित है। और मेरा समाज, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि प्रशिक्षित है आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक। क्या कैश समाज के अलावा किसी ने आजादी में योगदान नहीं दिया? सब ने किया। तो आपने कहा आप इस बात से क्या इनकार करते हैं कि हमने नहीं दिया, हमारे समाज ने नहीं दिया? अगर हमारे समाज ने नहीं किया, जाति गणना पे आपको क्या विरोध है? हाँ, मैं जाति जनगणना क्यों 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 वजह बताइए। जाति और संख्या के आधार पर होगी तो विकृति आएगी। आप देखिए, आप लोग पत्रकार हो, मुझको लगता है कि अनुभवी पत्रकार हो। 89 के बाद से, जब से जाति पर आधारित राजनीति होने लगी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है, शुचिता का अभाव बढ़ा है। कायस्थ जाति है, कायस्थ जिस काम के लिए है वो काम अब दूसरे कर रहे हैं, इसीलिए विकृति आ रही है। संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार है लिखने पढ़ने बोलने का और आरक्षण का, फिर ऐसा आपको देखिए व्यवहारिक रूप से, अब जो आप लेके हाथ में खड़े हो मुझको पकड़ा दोगे तो मैं उसके लिए क्या कर पाऊंगा? मैं कौन सी पत्रकारिता करूंगा? जो पत्रकारिता करता है वही पत्रकारिता कर सकता है। नहीं, ऐसे तो हर धर्म के लोग दूसरे धर्म दूसरे का धंधा कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। हम विरोध इस बात का नहीं कर रहे हैं, हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम जो करते रहे हैं उसको दूसरे लोग ना करें। नहीं नहीं, करें वो भी करें, तो हमारे धर्म गुरु को भी जो कर्म से खाता है उसको चित्रकूट जी की उपासना करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, जो दूसरा धर्म के लोग अगर आपके कायस्थकार करेंगे तो आपके धर्म को अख्तियार करें? धर्म को अख्तियार नहीं करें, हमारे इष्ट देव की उपासना करें।
आपके ईष्टदेव की उपासना करें, नहीं तो अगर नहीं करते तो आपको वो कष्ट समाज का जो कार्य कर रहे हैं वो ना करें। देखिए आप निगेटिव बात नहीं करिए, आप पूरे देश में आप देखिए कि एक विश्वकर्मा पूजा होती है, जो भी कारखाने का काम करता है विश्वकर्मा पूजा करता है कि नहीं करता है? नहीं, आप जानिए कि पूरे देश में हम लोग तो देश भर घूमते रहते हैं, हमने देखा है कि जो भी कारखाना लगा हुआ है वहाँ विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। नहीं, मुस्लिमों के यहाँ लगी, बहुत लोग नहीं करते। नहीं, बहुत लोग नहीं करते हैं। देखिए मुस्लिम अलग संप्रदाय है, हम हिंदू धर्म के बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में हाँ, तो हम आज जो पीछे हैं उसके पीछे मैं मानता हूँ कि आज़ादी से लेकर हमारे साथ खड़ियां होता रहा है, चाहे वो आरक्षण के नाम पर, आरक्षण क्यों, आरक्षण के अधिकार है क्यों दिया जाता है? कायस्थ समाज का कितना योगदान रहा है आजादी में? आपके कायस्थ समाज का कोई संगठन आरक्षण चाहता है? राजनीति में भी चाहता है, नौकरी में भी चाहता है? मापदंडों के हिसाब से काम करिए, आरक्षण का मापदंड जो है उसमें कायस्थ आता है। आज देखिए जनगणना एक व्यवस्था है, वो मैं मानता हूँ कि व्यवस्था से हर आदमी अगर जनसंख्या के आधार पर अपने हक की मांग करने लगेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा। साइंटिस्ट का काम साइंटिस्ट करेगा, जहाज चलाने वाला जहाज के बना जाएगा। इस बात के विरोध में क्या आंदोलन करेंगे? सार्वजनिक रूप से सभी को बराबर का अधिकार है, चाहे वो पढ़ने लिखने का काम कर रहा हो, चाहे वो ठेला लगाने का हो। हम बात कर रहे हैं, संविधान है, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारा काम कर रहे हैं उनको हमारे इष्ट देव के ऊपर समझना चाहिए। धन्यवाद।